भागलपुर के जमसी का लाल आकाश ने मुंबई में तहलका मचा दिया है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आकाश ने कलर्स टेलीविजन पर एक हुनरबाज कार्यक्रम शो है कलर्स का, उस पर इतना बेहतरीन टैलेंट दिखाया है जिससे पूरे देश भर के लोग आश्चर्यचकित हैं। साथ ही साथ जो जजेज हैं, करण जौहर, परिणीति चोपड़ा और मिथुन दा, ये तीनों जजेज हैं और ये भी आश्चर्यचकित हैं कि इन्होंने ये कैसे कर दिखाया। अलग टैलेंट है, पोल डांस कह सकते हैं इसको या फिर रिंग डांस अलग उनका इसमें दिखाया गया। लेकिन इस वक्त हम जो हैं आकाश के घर पर मौजूद हैं। ये आकाश का भागलपुर स्थित घर है, ये घर आप देख रहे हैं, इसमें आकाश का बचपन बीता है। उन्होंने आकाश ने जो मेंशन किया है उस शो में कि उसे काफ़ी परेशानी झेलने को मिला था जब वो शुरुआत किया था इसको, ये घर, इस घर में वो रहते थे। लेकिन अभी जो है फिलहाल उसके माता पिता जो हैं अपने चाचा के घर पर, इस घर पर रह रहे हैं, और जो इनके पापा हैं चालक हैं, निजी वाहन के चालक हैं इसके पापा हैं आकाश के, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से अब अपने बेटे की सफलता को देखते हैं और शुरू में क्या लगा था कुछ कर पाएगा। नहीं, हम तो सोचते थे कि थोड़ा पढ़ लिख ले और कोई जॉब करे, हम तो इतना दूर तक नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ कर पाएगा। सफल हो गया है आपका बेटा, अब आज शो भी आ रहा है, तो देखेंगे आप शो को। जी जी, आज देखेंगे। कैसा लगेगा बेटे को सामने टेलीविजन पर देखकर? नाम रोशन करेगा, इससे और खुशी क्या मिल सकता है, अपना देश का नाम रोशन करे। बचपन से था उसमें ये? हाँ, बचपन से ही उसको शौक था। कहाँ तक पढ़ाई किया? बी कॉम किया है। कौन कॉलेज से? मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर। पढ़ने में भी टैलेंटेड था? हाँ, पढ़ने में भी ठीक था। कैसे मतलब उसको पढ़ा कैसे रहे थे शुरू में, जब जैसा कि ये घर है जैसे, तो कैसे पढ़ा रहे थे? पढ़ रहा था, बहुत दिक्कत था, कॉपी कलम सब चीज़ का दिक्कत हो रहा था। हम तो छोटा सा कमाई करते थे, उसी में से मतलब सोच रहे थे कि पढ़ लिख ले। और हाँ, कब से मुंबई में रह रहे? ये लॉकडाउन के पहले गया था, 2019। हाँ, 20 में। और अब मुंबई में ही? मुंबई में ही। यहाँ से पैसा लेता हूँ? नहीं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, देंगे कहाँ से। देखिए पिताजी हैं आकाश के, इनका साफ कहना है कि 2 साल से लॉकडाउन से पहले ही वो मुंबई गया था और लॉकडाउन में फंसा भी, लेकिन घबराया नहीं, लेकिन इससे पैसे भी नहीं लिए और खुद से वो पैसे अर्जित कर वहाँ पर खुद से कमाई कर अपना भरण पोषण किया और डांस सीखा। और डांस ही नहीं कह सकते हैं उसे, मल्टी टैलेंटेड उस लड़के को कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कला को प्रदर्शित किया है टीवी चैनल पर, वो लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा। हम घर दिखाएंगे जिस घर में अभी उसके माता पिता रह रहे हैं, ये उसके चाचा का घर है, और किस तरह से इस घर में उसका बचपन बीता है ये भी उसकी माँ बताएंगी, किस तरह से यहाँ पर उसकी माँ जो है खाना बनाती है वो भी हम दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं उसकी माँ है, आकाश की माँ है, और बचपन से ही जो है इस तरह के इसी परिवेश में वो रह रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था। इसकी माँ से बात करेंगे कि कैसा लग रहा है अब बेटे की सफलता पर, और आज तो देखेंगे आज उसको टेलीविजन पर। बहुत अच्छा लग रहा है आज, आज हम खुश हैं, सबका आशीर्वाद ही मिले मेरा बेटा को, भगवान नहीं करे हमरे ऐसा किसी को कष्ट हुए, बहुत कष्ट। कैसे पढ़ाए थे उसको? बहुत दिक्कत से, जब कॉपी नहीं जुटता था ना तो उसको धरती में लिखवा करके, बोर्ड में लिखने वाला जो चौक होता है बच्चा सब लाता था, वही धरती में कभी लिखवाते थे, कभी एक पन्ना को 3 बार 4 बार मिटाते थे रबर से, तब उसको पढ़ाते थे, नहीं जुटता था कॉपियों कलम, बहुत दिक्कत से पढ़ाते पढ़ाते बेटा मेरा, अब पढ़ने लगा फिर अपना मेहनत कर कर धीरे धीरे धीरे, पापा भी गाड़ी चलाने लगा। अभी कैसे वो वहाँ पे कर रहा है, पैसा लेता? अभी वहाँ अपना कर रहा है, अपना मेहनत कर कर किसी तरह चल रहा है, कभी हम लोग भी करते हैं, कभी अपना भी करता है उसी तरह। इसी घर में बचपन बीता था? बचपन हाँ, घर इसी घर में बीता था, जब दिक्कत होने लगा सोने में तब यहाँ पर आते हैं, यहीं सो जाते हैं, और वहाँ खाना बना करके यहाँ अपना सो जाते हैं, क्या करेंगे इसी में सब दिन दुख काटे हैं। अब अच्छा लग रहा है बेटे? हाँ, अब अच्छा लग रहा है, अब हम खुश हैं क्या मेरा बेटा खुश रहे आगे बढ़े। माँ है उनकी, और काफ़ी जो है कष्ट से, काफ़ी दुख के साथ बेटे को पाला पोसा है उनके। देखिए यहाँ पर सभी परिजन हैं, सभी लोग उनके यहाँ पर। भतीजा है आपका? आकाश?
हाँ कैसा लग रहा है उसका सफलता? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कष्ट से पढ़ा है? हाँ बहुत कष्ट से, उसको तो बहुत कष्ट था, बहुत कष्ट से वो निकल गए। ये जो करते थे डांस जो करते थे बचपन से ही करते? हाँ उसको इस बचपन से उसको शौक था ही करने का। कभी लोग भी बोलते होंगे कि ये नहीं करने? अरे बहुत लोग बोलते थे, बहुत लोग मार भी देते थे उसको, कोई अच्छा नहीं बोलता था कि अच्छा लड़का बनेगा, डांस सीख रहा है अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन बन गया। देख अब तो बहुत हाँ आज तो देखेंगे ना उसको, आज तो आत्मा खुश हो जाएगा हम लोग का। देखिए सभी परिजन जो है सबके आंखों में आंसू है, क्योंकि जिस तरह से कष्ट से उसने अपना बचपन बिताया है, कष्ट से पढ़ा है, ये काफी सच में दुखदायक है। लेकिन अब जो है आकाश काफी आगे बढ़ रहा है, बिग न्यूज के तरफ से भी उसे शुभकामनाएं हैं, काफी बेहतर करे। आज वो टेलीविजन पर आ रहा है, सब लोग पूरे देश भर के लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। अश्वनी कुमार, बिग न्यूज, भागलपुर।